यहाँ पे हम आ गए हैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स में। यहाँ पे हेलमेट है बहुत सारे, टॉप बॉक्स देख रहे हैं हम लोग और टॉप बॉक्स 5500 कुछ का बता रहे हैं। आज देखो यहाँ पीके से मीटअप हो गया यहाँ पे आमिर खान से, जो देख सकते हैं यहाँ पे टॉप बॉक्स है और इसका हम लेने की सोच रहे हैं। भाई एक ये है रैनोक्स का टैंक बैग देख रहे हैं, इसमें फोन थोड़ा सही से नहीं आ रहा लेकिन ये बढ़िया चीज होती है, साला पीठ पे टांग लो मस्त बना। तो भाई हाँ ये है ना भाई इसका नकल गार्ड। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अब जो सीरीज चालू होने वाली है लद्दाख राइड की, तो आज फर्स्ट डे ऐसे मुल्लो हमारा। और आज डेट क्या है, आज 19 तारीख है, हाँ 19 तारीख है। आज हम जा रहे हैं भाई करोल बाग सामान खरीदने के लिए, कुछ ना कुछ जो जो ज़रूरी है, जैसे कि मेरे को सैडल बैग भी देखना है बढ़िया वाला। मेरे पास जो पहले वाला है वो तो भाई कपड़ा सा, कपड़े का मतलब नॉर्मल सा है, थोड़ा बढ़िया सा खरीदना है यार, जुकाम हो रखा है मेरे को। केदारनाथ राइड के बाद आया हूँ ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई यार। तो बस अभी थोड़ी देर यहाँ वेट करता हूँ, उसके पूरी डिटेल बताता हूँ भाई क्या क्या कैसे। अभी बंदे आ रहे हैं रोहतक से, थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं उन लोगों का। सो गाइस देखो फाइनली आ चुके सारे बंदे, अब यहाँ से निकल चुके हम लोग करोल बाग के लिए। देखते हैं टाइम कितना लगना है, 10:30 तो बज गए यार, और धूप इतनी तेज हो रही है ना कि क्या ही बतला है। कल भी मैं निकला था धूप में, दवा लेने के लिए गया हुआ था, बट इतनी तेज धूप थी ना कि क्या बताया यार, आंखें बंद हो रही थी साथ साथ में नींद तो नहीं आने लग रही थी धूप के कारण। मतलब घर गया खाना खाया, बुखार भी तो हो रहा था मेरे को, सो गया था। फिर मैं यार 5 बजे गया मैं ऑफिस, पहले गया था ऑफिस फिर मैं 1 बजे के बाद गया था घर, रेड लाइट हो गया। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था कि भाई हम जा रहे हैं लद्दाख राइड स्टार्ट हो रही है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसकी सीरीज आने वाले डेली के डेली कुछ दिनों बाद ही जल्द ही। बाकी अभी जो प्रिपरेशन चालू हो रही है तो देखो क्या क्या चीज़ हम ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो सब अभी हम देखेंगे धीरे धीरे करके। अभी तो हम करोल बाग जा रहे हैं, मेरे को लेना है टैंक बैग लेना है। मेरे पास जो पहले वाला टैंक बैग है छोटा है बहुत, उसमें सब सामान आ नहीं पाता यार। GoPro और पावर बैंक और इंस्टा 360 भी रख दूंगा तो पूरा भर जाता है, मेरा पर्स रह जाता है पर्स का, तो वो सारी दिक्कतें होती हैं। इस चक्कर में थोड़ा सा ना उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। मैं छोटी मोटी जगह के लिए तो चल जाता है, पर लद्दाख राइड बड़ी राइड है ना, उसके लिए तो बहुत टफ पड़ेगा। बाकी रही बात सैडल बैग की, सैडल बैग भी देखूंगा मैं, थोड़ा सही रेट में मिल गया तो लेना तो पड़ेगा यार, लेना है ही मेरे को, क्योंकि जो पहले वाला वो पूरा कपड़े वाला है, तो थोड़ा भी पानी जाएगा तो पूरा भीग जाएगा सामान, और वहाँ पर बारिश का पता नहीं कब बारिश हो, वाटर क्रॉसिंग क्या कुछ ना हो पता नहीं भाई, तो वाटर प्रूफ लेना है मेरे को। ठीक है, इसके अलावा क्या लेना है, लाइट देखूँगा सस्ते में मिल जाएगी लाइट तो लाइट लगवा लूँगा, फॉग लाइट जो होती है वो, वरना तो रहन दूंगा। खैर बढ़ते हैं भाई, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं भाई, जामा भी तो मिलेगा, धूप इतनी तेज़ हो रही है क्या बताएं। सो गाइस दिल्ली की गर्मी का तो आपको पता ही है, बिल्कुल बुरा हाल कर देती है। और करोल बाग के पास बिल्कुल पहुँच तो गया हूँ मैं, सारे बंदे इधर से उधर हो गए यार। तो चोपड़ा ऑटोमोबाइल जो है ना बहुत फेमस है, उसके पास तक अपना एक हमने वो बना दिया मार्क, वहाँ जा रहे हैं सीधे चोपड़ा ऑटोमोबाइल के पास ही मिलेंगे अब सारे के सारे। मेरे यहाँ से बचा है 1.5 किलोमीटर के आसपास, इसलिए मैंने मैप लगा दिया, अब मैप लगा के पहुँच रहा हूँ बस फटाक से। आगे भाई चोपड़ा ऑटोमोबाइल पे बड़ी मुश्किल से साला ढूंढते ढांढते मिला है। ये भाई यहाँ से ऊपर जाना जीने से। यहाँ पे हम आ गए हैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स में, यहाँ पे हेलमेट है बहुत सारे, टॉप बॉक्स देख रहे हैं हम लोग और टॉप बॉक्स 5500 कुछ का बता रहे हैं, 6000 का था कुछ 5500 बता रहे हैं, देखते हैं मेरे को भी ठीक लगा तो ले लूँगा, बढ़िया काम हो जाएगा। सैडल बैग नहीं लूँगा, फिर जुगाड़ कर लूँगा, कुछ फायदा हो जाएगा यार। ये देखो इतने सारे हेलमेट है भाई, एक ये है रैनोक्स का टैंक बैग देख रहे हैं, इसमें फ़ोन थोड़ा सही से नहीं आ रहा लेकिन ये बढ़िया चीज़ होती है, साला पीठ पे टांग लो मस्त बना करके। ये रहा ना, ये होगा इसका कुछ, ये इसमें लगा करके अपना पिट्ठू बैग बन जाएगा। ये कैसे, तुम्हें क्यों लेकर घूमना पड़ेगा? नहीं यार ये वो है,
ये भी टैंक बैग है क्या? टैंक बैग है ये देख। हाँ ये पीठ पे बंद गया ना, बहुत मस्त हो गया, एक नंबर का परफेक्ट। ये फायदा हाँ ये बात रेट भी तो रेट मायने करता है ना। इसका क्या करोगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा जेब में आ जाएगा तो। अरे उसमें चाहिए ना, जो देख सकते हैं यहाँ पे टॉप बॉक्स है और इसका हम लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी एल्युमिनियम है, फुल्ली वाटर प्रूफ है ना भाई, फुल्ली वाटर प्रूफ रहते हैं भाई। हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं नहीं क्या पता से आते हैं ये लोग, कहीं से छेद वेद कर रखा हो, कहाँ से आते हैं ये लोग, हम यहीं से है भाई। ठीक है तो भाई ये वाला देख रहे हैं लेने की, बाकी और कुछ सामान है यहाँ पे, टैंक बैग है और बहुत सारी चीजें लेने की देख रहे हैं। पीके से मीटअप हो गया यहाँ पे आमिर खान से, भाई सामान खरीद लिया, पैकिंग हो रही है देखो, बहुत सारी बार बार के 50,000 से ज़्यादा खर्चा हुआ है यहाँ पे, सारा सामान खरीद लिया हमने यहाँ पे चोपड़ा ऑटोमोबाइल से और यहाँ पे खर्चा हुआ है 58,000 कुछ का, पेमेंट हो रही है देखो। कोई नहीं वो हो गया तो हो गया, निकालने की क्या जरूरत है, आलसी मानस, ढक्कन बंद नहीं किया जा रहा, इतना आलस हो रहा है। देखो यहाँ पे अज्जू जी की लाइट खरीदा है मैंने 2400 की, 2300 रुपये में करवाया और लगाने में 400 रुपये बोल रहे हैं। एक यहाँ पर हिमालयन पे लग रहा है देखो, जारी कैन, मेरी बाइक वहाँ खड़ी है, उस पर भी लगेगा अभी। ये लाइट लगवाऊंगा और टॉप बॉक्स ले लिया मैंने, टॉप बॉक्स लगवाऊंगा भाई। हम यहाँ पर खड़े हैं देखो रोमी ऑटोमोबाइल्स पे और बाइकों में काम हो रहा है कि सामने हिमालयन में हो रहा है। अभी हमारी बाइक में भी होने वाला, लाइटें लगेंगी इधर और पीछे टॉप बॉक्स के लिए लगेगा, क्योंकि तो अभी थोड़ा काम यार, पैसा खर्चा हो रहा है बहुत। चलो वन टाइम इन्वेस्टमेंट। देखो लाइट लगाने शुरू कर दिए इस भाई ने, क्या नाम है भाई तुम्हारा? सहनवाज भाई, सहनवाज भाई है, सहनवाज भाई लगा रहा है यार अपना लाइट। ठीक है भाई, भाई टॉप बॉक्स के लिए पीछे कैरियर लग रहा है और कैरियर किधर रखा हुआ है? ये रहा कैरियर, ये पीछे वाला खुल रहा है, इसके बाद लगेगा भाई। यहाँ पे देखो काम चल रहा है टॉप बॉक्स का और यहाँ पे लग चुका है ये पीछे से, और यहाँ पे ये भी लग गया, क्या नाम है इसका, बैकलाइट, कैरियर अलग से लगा इसका, जो टॉप बॉक्स का कैरियर है। और अभी यहाँ पे नकल गार्ड भी लगने वाला, जैसे ये लग रहा है ना इधर एस टाइप में। ठीक है, काम चल रहा है तेज़ी में। तो भाई हाँ ये है ना भाई, इसका नकल गार्ड वो आ रखा है देखो, वो रहा और डब्बों के नीचे, सबसे डब्बों के नीचे है, सबसे नीचे, इसी डब्बों के नीचे आने से भाई। ये देखो यहाँ पर लग चुका है बाइक के अंदर लाइट और HJG की लाइट लगी है और टॉप बॉक्स भी लग चुका है देखो पीछे, मस्त लग रहा है ना, ये वॉश हो जाएगी ना मस्त से, फिर मज़ा आ जाएगा भाई। और वहाँ पे एक बैक रेस्ट भी लगा हुआ है, हटा भी सकते चाहे तो और निकाल भी सकते हैं जो भी है। काम चल रहा है भाई तेज़ी में, देखो हमारे मेरी बाइक तो हो चुकी है भाई कंप्लीट पूरी, अभिषेक भाई की बाइक हो रही है अब, और ये रहा टैंक बैग मेरा। हम लोग आए यहाँ पे बर्गर किंग में और बर्गर खा रहे हैं क्या, तो तुमने सिंगल वाला कराया था तो सिंगल ही तो होगा, डबल वाला थोड़ी होगा, डबल साले ने डबल नहीं करा सिंगल कर दिया। कोई नहीं खाओ यार, खा रहे हम फटाफट से, भूख लगी बहुत तेज़ी भाई। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ यार अभी, तो उस बाइक में भी लगेंगे आधे घंटे और R15 में, बाकी सारी बाइकें हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, R15 बाकी बच रही है, मेरी भी बाइक हो गई है, टॉप बॉक्स लग गया है और नकल गार्ड लग गया है, लाइट भी लग चुकी है, अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से भाई। आर्यन भाई और मैंग तो निकल चुके हैं, मैं निकल रहा हूँ अब क्योंकि 8 बज चुके हैं ना, ज़्यादा टाइम हो गया यार। चलो मिलता हूँ सीधे बाइक पे। ये देखो भाई काम चल रहा है अभी R15 में। चले भाई, ओके हाँ बाद में, ठीक है अभी भाई मिलते हैं, है ना, चले भाई, चलो बढ़िया, हाँ टाइम लग जाएगा ना अब तो, है क्या हो गया? Oh, okay.
एक ठंडा पिलाते जाओ यार, हमारी जंग। देख तो लो लाइट कैसे चल रही है, वहां तक जा रही है। मुझे इनकी लाइट देख के अपनी लाइट मिलती दिख रही है, अब ये भी लग के डूब रहा है। चलो चलता हूँ। अरे यार बस भाई, हाँ इधर जाऊंगा। चलो भाई निकल तो पड़ा हूँ भाई मैं, 8:08 हो रहे हैं यार। पहले निकल जाना था यार, जब निकलना था तो बात तो ये भी ठीक है, बट कोई नहीं, साथ में आए तो साथ जाने की सोचा था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना बहुत। अभी उस बाइक में लगेंगे 1/2 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा टाइम यार, कम से कम 1 घंटे लगेंगे मेरे को घर पहुँचने में। 1 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा अपना आराम से, थोड़ा रेस्ट लूँगा, 8 से ज़्यादा टाइम हो गया यार, थक गए खड़े खड़े। चलो भाई चलो यार, लाइट तो बढ़िया आ रही है, देख रहे हो सही नहीं लग रही लाइट। हाँ यार ये लाइट लेकर के मेरे को केदारनाथ जाना चाहिए था यार। चलो कोई चक्कर नहीं है फिर। गाइस मैं आ चुका हूँ इधर पंजाबी पार्क अंडरपास पे, और जो ये पेनियर्स पड़े हैं मुझे 6000 का नहीं 5500 का बता रहे थे ये लोग, 6000 था वैसे, 5500 किया फिर 5500 से 5200 रुपये का हमारे को पड़ा है। सॉरी ये टॉप बॉक्स पेनियर्स नहीं, टॉप बॉक्स 5200 रुपये टॉप बॉक्स पड़े। और टैंक बैग लिया है मैंने एक बायसन कुछ करके कंपनी एक उसका लिया हमने, तो ये पड़ा है हमारे को 1900 रुपये का, 2200-2300 रुपये का था वो भी, पर कम करके 1900 का हो गया। इसके अलावा जो लाइट मैंने लगाया है HJG की लाइट है, 2400 रुपये था, 2300 रुपये किया हमारे को, 2300 रुपये में लाइट लगी है। और क्या है ये नकल गार्ड है, नकल गार्ड जो हमारे को पड़ा है 650 रुपये का पड़ा है भाई, फिटिंग्स वगैरह के सब के चार्जेस अलग से है। और जो टॉप बॉक्स लगाया ना टॉप बॉक्स उसका जो लगाने के लिए भाई कैरियर भी लगवाना पड़ेगा, कैरियर 1100 रुपये का पड़ा मेरा क्लासिक 350 का। भाई साहब खर्चा हो गया यार, कोई नहीं। ये जो टॉप बॉक्स था वन टाइम इन्वेस्टमेंट है भाई, क्योंकि मेरे को लेना पड़ता है एक सैडल बैग, अब सैडल बैग ले नहीं रहा मैं तो मैंने सोचा उसके बदले ये ले लेता हूँ, सैडल बैग लेने आया था मैं। बट टॉप बॉक्स का रेट देखा तो भाई रेट तो जो था सैडल बैग से हल्का सा ऊपर था थोड़ा बहुत, मान लो सैडल बैग भी लेते तो कम से कम 4000 तक का पड़ता ही। और अब ये ले लिया तो फुल्ली वाटर प्रूफ, कोई टेंशन नहीं, सेफ रहेगा सामान भी अपना आराम से, रजोमर जाता सेफ रहेगा सामान, बार बार बैग हटाने की जरूरत भी नहीं, ये फ़ायदा हो गया थोड़ा सा। और तो भाई मैंने कुछ सामान ज़्यादा लिया नहीं, हाँ एक वो लिया है शूज़ कवर लिया है जो वाटर क्रॉसिंग के टाइम में कहीं काम आएगा बारिश वारिश के टाइम में, एक यार वो लेना रह गया रेन पैंट लेना रह गया, वो पता करना पड़ेगा अपने उधर कहीं पे पता करना पड़ेगा, देखते हैं चलो उसका तो बाद में भी देख लेंगे। वैसे काम काफ़ी हद तक काम हमारा हो गया, सामान ले लिया हमने, अब जो है मेरे को चैन ल्यूब खरीदना है वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगा। भाई मैं आ गया अपने घर पे और ये देखो एक बार टेस्ट भी हो गया, मतलब बढ़िया सही काम कामयाब है, मतलब बढ़िया ठीक है। मैं घर पे आ गया अपने और ये बाइक मेरी लगी हुई है नकल गार्ड के साथ, और लाइट जला के दिखा दूँ क्या, ये लो भाई सामने देखना फोकस, ये स्टार्ट कर लेते, बैटरी ज़्यादा खर्च होगी ना, सामने देखना भाई फोकस, ये देखो देख रहे हो भाई सिंगल में देख लो सही आ रहा ना उजाला, हीट पे देखो ये कितना मस्त उजाला आ रहा है, अब बंद करते ही ख़त्म कर ठीक है। तो ये है भाई मस्त, इतना तो खर्चा हो गया, अभी और करना है, देखते हैं यार अभी बाइक सर्विस वर्विस करवानी है ना, टायर भी चेंज करवाना पड़ेगा, टायर ख़त्म हो गया देख रहे हो पूरा गोल मटोल हो गया यार, ए भगवान। चलो भाई इस वीडियो में यही भाई, वीडियो बताना कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।